तुरंत मेरे छेउ ननन्थे मेर प्यार तो पीस तमर सामने आज बेसी आज मैं तिमते बताने वाल छू। जोहर गौरव श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी द्वारा लिखा कविता संग्रह किताब का नाम मेरी यादों के सफर से। इस पुस्तक का विमोचन 27 फरवरी 2022 को श्री नाथू सिंह ठूलिया जी द्वारा दीवान मालतीनाथ धर्मा संस्थान दिल्ली में इसका विमोचन हुआ। और इस मौके पर क्या क्या हुआ वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो देखिए ये वीडियो। कम समय में अपने रिटायरमेंट के थोड़े समय में ही इतने बृहद कविता संग्रह की रचना की, और जिसमें उन्होंने अपने जन्म स्थान के और अपने लोगों के और अन्य जो समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, उन सब के प्रति जो उनके हृदय में उद्गार थे उसको बहुत ही बढ़िया ढंग के उकेरा है। और साथ ही उनकी जो ऑब्जर्वेशन है हर व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, युवाओं से संबंधित समाज समस्या के बारे में, महिलाओं के संबंध में, और वहाँ के जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं और किन परिस्थितियों में वो आगे बढ़े हैं, उन पर जो उनका वो इस पुस्तक में उन्होंने एक एक चीज़ को सूक्ष्म रूप से देख करके समझ करके बड़ी सुंदरता के साथ शब्दों में बड़े सरल शब्दों में पिरोया हुआ है। यह एक अति सुंदर किताब है और मैं समझता हूँ कि जिस किसी के भी हाथ में, अपने यहाँ के लोग कम से कम इसके भी हाथ में ये जाएगा, उनको अपने जो हमारे समय के लोग हैं उनको पुरानी जो हमारी परिस्थितियाँ थी वहाँ की, और फिर बीच में जो कुछ हमारे समाज में चेंजेज आए, उसमें जो परिवर्तन आया और फिर आज हम जिस स्तर तक पहुँचे हैं उसका भी जगह जगह पर उन्होंने बड़े सूक्ष्म अपने सूक्ष्म चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए बड़े सरल शब्द में पिरोया हुआ है। और इसमें कई साधारण से साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको बहुत आसानी से ग्रहण कर सकता है और समझ सकता है और अपने जीवन में उससे लाभान्वित हो सकता है और अपने व्यवहार को संतुलित कर सकता है। किसी के भी प्रति दोस्त है, मित्र है, या समाज में कोई कोई लोग कमज़ोर लोग हैं, कोई कोई किसी भी किसी को जो कोई प्रेरणादायक है, उन सब के बारे में उन्होंने बड़े ध्यान से और बहुत ही विस्तृत एक प्रकार से वर्णन किया है और इससे लोगों को अच्छा लगेगा। खास करके मुंशारी के स्कूलों में कम से कम वहाँ की लाइब्रेरी में दो दो पुस्तकें जो है रखवा दी जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा लाभदायक होगा। और मैं इसके लिए दो किताबें मैं अपनी ओर से मुंशारी जी है इसी के लिए वो करता हूँ। तो मूल्य तो मैं दे रहा हूँ, नहीं नहीं मूल्य नहीं है, अभी नहीं मूल्य तो मैं तो नहीं नहीं देना ही हो, नहीं नहीं ये तो मैंने अपने मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ, फिर आप 5-2-10-2 और आप शुरुआत कर रहे जी आई सी मुंशारी को जो है दो पुस्तकें जो है दान देंगे, जो भी करे जाए दान नहीं गिफ्ट हो गया, दान जो गई दान शब्द मैं आपके पीछे हम शुरुआत हमारे पीछे हमारे साथ भी जुड़े शुरुआत करता हूँ। शुभ शुरुआत तुरंत ही होना चाहिए ना, वो दिक्कत होती है तो मैं शुरुआत कर ही देता हूँ तो वो अच्छा रहेगा, शुरुआत कर ही दूँ तो अच्छा। उनको बुला के ले आओ, लक्ष्य पूरा होना उतना महत्व
संदेश आप दे दीजिए पाठ मतलब पाठकों को और हमारे यह कविता संग्रह की किताब केवल मांग पत्र पर ही उपलब्ध होगी तथा इस राशि को दीवान मालतीनाथ समाज संस्था के खाते में दान स्वरूप जन सेवा में भेंट भी होगा। तो इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि मूल्य भी निर्धारित होना चाहिए तभी लोग 450 रुपये अच्छा ऊपर मतलब हाँ तो ये कोई जिस कितना समाजोपयोगी और साहित्यिक रूप से भी उपयोगी है और अपने लोगों के विकास के लिए भी उपयोगी है तो जो इसका मूल्य निर्धारित किया गया है वो बहुत ही कम है उस दृष्टिकोण से और उसके साथ ही वो मूल्य भी एक अच्छे संस्था के लिए समर्पित किया जा रहा है और जिसमें हमारे यहाँ के लोग ही लाभान्वित होते हैं क्योंकि ये एम्स जैसे दिल्ली का देश के सबसे बड़े और सबसे अच्छे अस्पताल में चिकित्सालय में आता है और इसके बहुत नज़दीक है उससे आज तक इस संस्था को भी पुष्कर सिंह जी ने ही स्थापित किया है और उसके माध्यम से वर्षों से पता नहीं कितने लोग हमारे यहाँ से यहाँ आए या और अन्य जगहों से भी उनके जान पहचान के कितने लोग आए जो यहाँ पर इतने मूल्यवान जगह पर बहुत ही करीब करीब मुफ्त में ही यहाँ पर उनको रहने की सुविधा दी जाती है और वह अपना इलाज जो है सुगमतापूर्वक सफदरजंग हॉस्पिटल है एम्स हॉस्पिटल है इतने बड़े चिकित्सालय में आसानी से अपने इलाज करेंगे और करते रहे हैं तो मैं उसके लिए तो उनको बहुत बधाई देता हूँ और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए इस सेवार्थ कार्य के लिए उतने ही कम है क्योंकि बहुत कम लोग ही इस तरह के से कोई कार्य को अपने बल बूते हुए कर सकता है वो उन्होंने अपने एक सेवा सरकारी सेवा में रहते हुए भी किया। तो यहाँ पर मैं एक कविता सौका दिवस की शुभकामनाएं ये सुनाता हूँ। खुशनुमा सुबह एक अजनबी आया और पाया दस्तक देती खड़ी दरवाजे पर। हाथ में पकड़ी थी कलम डायरी, खुशियों की चमक थी उसकी चेहरे पर। हंसते हुए सुप प्रभात कह रही थी, देने लगे हमको बधाई सौका दिवस पर। शुभ दिन है आज 23 अप्रैल है, लिख ले तारीख सभी अपनी डायरी पर। भावुक से कहती बरसों लग गए सबकी सहमति बनने इस तारीख पर। शिक्षित सौका कौम की इस तारीख को लिखना था इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर। पंडित नैन सिंह जी की योगदान को सब भूवैज्ञानिक जानते अचंभित होकर। इस महान पुरुष को अंग्रेजी शासक ने हर्ष होकर पंडित की उपाधि से नवाजा है। सौका कौम के महान सर्वेक्षर को पूरी दुनिया के लोग अदब से शीश झुकाते हैं। सौका कौम के गुणों को भांप कर अंग्रेजी शासकों ने अपनी मन में ठानी थी, व्यापार के साथ युवाओं की जीवन उज्जवल भविष्य में शिक्षित करनी जरूरी थी। इसी भावना से अंग्रेजी शासकों ने मिलम गांव में वर्नाकुलर स्कूल खोली थी। ब्रिटिशों ने पंडित नैन सिंह जी को स्कूल का दायित्व बहुत अरमान से सौंपी थी। सौका समाज की भलाई समझकर पंडित नैन सिंह ने शिक्षक की कमान संभाली थी। 23 अप्रैल 1859 को शिक्षा की शुरुआत मिलम गांव से कराई थी। यह दिन कितना गौरवशाली हमारी जब सौका कौम शिक्षण प्रणाली से जुड़ी थी। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे उन पूर्वजों को जिन्हें दिल से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आओ इस शुभ दिन को सौगात समझकर त्योहार की तरह हर वर्ष हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो ये सुंदर कविता जोहार गौरव
श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी ने लिखा है। सोका दिवस की शुभकामनाएं, तो एक बार जोरदार तालियां, जोहर गौरव श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी। फिर किस तरह उसको अपना बनाकर निस्वार्थ सेवा देती है सबको अपने जीवन में, अपने दर्द छुपा कर रखती हरदम, अपने दर्द छुपा कर रखती हरदम और लग जाती है सबके दुख दर्द मिटाने में। सुबह सवेरे उठती सब सुबह सवेरे पहले उठती और लग जाती घर की साफ सफाई और अन्य कामों में, नाश्ता चाय फिर भोजन करती, हर सदस्य को भेजती उसके गंतव्य में, सास ससुर को माता पिता समझकर हर वक्त लगी रहती वो उसकी सेवा में, बच्चों की हर वक्त देखभाल करती और लगी रहती पति की सेवा भाव में, चारों पर हर वक्त वो सोचती रहती कैसे खुशहाली बनी रहे घर हर क्षण में। आकलन करो एकांत में सोचकर नारी की एक एक पल बीते हुए क्षण में, महसूस करोगे अपने पूर्व जीवन की व्यथा, मानोगे नारी ही उच्च अपने घर आंगन में। और बहुत अच्छा, जैसे आपने कहा कि समाज का जो है हर, आपने अभी लाठी का बारे बताया जाए, जो छोटी छोटी चीज़ों को आपने इतने ध्यान से देखा है, उनके हाव भाव उनके चरित्र को, उसको कविता के माध्यम से ढालने का बहुत सफल प्रयास किया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से, अब तो रिटायर हो गए हैं, इसी तरह से आगे जो है अपना जो है कवि हृदय को जो है और करके हुए कविता लिखते रहेंगे। साथ में समाज सेवा के बारे में क्या कहना है आपसे, जो है हम लोगों ने इतनी सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं और आप हमारी डिग्री के साथ जुड़ गए हैं और आपके आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ और शुरू की डिग्री की, तो आपको जो है हम सब की ओर से, मेरी ओर से खास कर जो है बहुत बहुत शुभकामनाएँ और हार्दिक बधाई। साहब जी, पहले तो आपने इतने जो हम लोगों को जो है इतनी सारी चीज़ें बताई और जो इसके बारे में बताया, हमारी जो नॉलेज जो है इतनी बढ़ाई आपने कि इसके बारे में, और आपका जो इतना एक्सपीरियंस आपने बताया मुझे, जो पुष्करता के बारे में जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो पहले तो मुझे बड़ा चंबा लगा कि ये ऐसे विभाग में होते हुए और ये सब मतलब चीज़ें जो कविताएँ लिख रहे हैं, कि मुझे तो पहले ये यकीन नहीं हुआ थोड़ा, लेकिन जब मैं देखा यहाँ जाके, और जो है और दूसरा जो पर्पज़ जो है इसका जो लिखने का जो है, कि एक तो हो गया कि आपके जो है लोगों के बारे में लिखा और जो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत ही अनूठा है। मैं तो कहूँगा कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में, हम लोग कभी हंसी मजाक करते थे और चीज़ करते थे ऐसे बात करते थे, लेकिन मुझे इसके अंदर की इनकी जो है जो फीलिंग है वो मुझे आज बताते थे कि उसको कितना बढ़िया करके इन्होंने वो किया हुआ है। और ये जगह तो खैर जो सर ने बताया कि भाई ये जगह के तो इतने एम्स के बगल में है, यहाँ पर के लोग सारी दुनिया से आते हैं, इंडिया का बेस्ट मेडिकल वो है वहाँ पर जो है, लोगों को यहाँ रहना तो छोड़ो कि मतलब लोग सोच ही नहीं सकते हैं, सड़क में लोग मैंने देखा है कि सड़क में सोते हैं लोग जो है, बहुत सारे जो आते हैं उनके बेचारे रिलेटिव जो है, और आपने इतना बड़ा काम किया जाके और ये सब सोच के, मतलब आपकी इसी सोच जो है बहुत ही मतलब क्या कहूँ उसको, अनुकरणीय है और इसको जो है हम लोग क्या कहें, हमारे शब्द नहीं, हमारे सराहनीय है, प्रेरणादायक है, हमारे पास शब्द नहीं होने जा रहे क्योंकि हम आपकी तरह ऐसे कवि नहीं है, लेकिन बहुत ही पीछे जाके मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई, मुझे तो पता नहीं था कि आज इस पर्पज से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला। और ये जो क्या कहते हैं जो उद्देश्य देख के मैं बिल्कुल, तो अभी इन्होंने जो बोला कि ये कहने की जरूरत नहीं है, अब जाके मैं अपने अंदर से जो है अभी जो है जितने भी आपके जो है इसके धर्मार्थ के हम लोग जरूर उसमें जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें अपने तरफ से जरूर करेंगे, ये तो एक माध्यम है, बाकी हमेशा जब जितना भी हमारे पास जो भी होगी हमारी वो हम जरूर इसको पीछे आपके लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कस लग भल लगी, तो इसी तरह से चेचुआ चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तुक्की कलाती मैदाकार चेचुआ, हा हा, धन्यवाद।